वेलकम टू इन मैथ क्लास। आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड की मैथ पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपका चैप्टर सेकंड से है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने अब तक बुक अपना ले चुके होंगे और अपना काम कंप्लीट भी कर चुके होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना बुक नहीं लिया है, जल्द से जल्द वो अपना बुक लेकर अपना एक्सरसाइज कम्प्लीट करें। तो चले अपने टॉपिक्स पे। बच्चों, हमारा सेकेंड चैप्टर टॉपिक है नंबर्स। नंबर्स जो कि हमने पिछले लास्ट क्लास में पढ़ा था, थ्री अंक के टू अंक के, लेकिन आज ये नंबर इस क्लास से आपको फोर अंक से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपका 4, 2, 3, 5, ये आपका फोर डिजिट का नंबर है जिसको आपको वर्ड्स में राइट करना है। जैसे हम इसे राइट करेंगे, काउंट करें, ये कितना अंक है, 1, 10, 100, 1000। इसे हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, 4235। इसको राइट करना कैसे होगा बच्चों, 4235। और बच्चों, अब सारे अंक होंगे जिसको आपको नंबर्स में लिखना होगा, और कुछ नंबर्स नहीं होंगे जिनको आपको अंकों में उतारना होगा। जैसे अगर सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ आपको दिया रहे 2009। बच्चों, अब इसको आपको नंबर्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2000 हमारा 100 भी नहीं है और ना हमारा यहाँ पे टेंस है, तो उस जगह पे बच्चों ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे दो जीरो डाल देंगे, उसके बाद हमारा वंस की जगह पे आता है 9। तो ये हमारा हो गया 2009। अब इसी चैप्टर में बच्चों, इस सारे नंबर को आपको प्लेस चार्ट में डालना होगा। अब वो चार्ट बनाएंगे कैसे, तो आज मैं ये भी आपको बताऊंगी कि नंबर्स को चार्ट में कैसे अरेंज करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा चार्ट बनता है। यहाँ पे हम लिखते हैं वंस, यहाँ पे राइट करते हैं टेंस, यहाँ पे राइट करते हैं 100, और यहाँ पे हम राइट करते हैं 1000। हमारा अंक समान लीजिए 3, 4, 7, 2 है, तो इस नंबर को हमको इसी चार्ट में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो वंस की जगह हमारा क्या है 2, तो इस चार्ट में हम इस वंस की जगह पे 2 राइट करेंगे। टेंस की जगह पे क्या है 7 राइट करेंगे। 100 की जगह 4 है हमारा और 1000 की जगह पे 3 है। तो ये इस चैप्टर में हमारा नंबर को वर्ड्स में, वर्ड्स को नंबर में राइट करना होता है, और फिर इसमें आपको नंबर्स को चार्ट में अरेंज करना होता है। तो बच्चों, हम इसी तरह चार्ट बनाएंगे और नंबर को हम फिर अरेंज करेंगे। अब देखते हैं बच्चों, हमारे बुक में आगे क्या है और हमें क्या करना है। अब आपके बुक में देखिए बच्चों, ये आपकी बुक है, ये देखिए हमने बताया है आपको नंबर्स बताया है, और ये देखिए बच्चों, यहाँ एक अबेकस है, इसमें आपको काउंट करना है 1, 2, 3। वंस की जगह हमारा 3 है, तो यहाँ नंबर हम राइट करेंगे 3। यहाँ 2 है, 2 राइट करेंगे, और सेकंड थर्ड में हमारे लाइनिंग में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम 0 डालेंगे, और यहाँ पे 4 है तो हम 4 राइट करेंगे। जैसे बच्चों ये देख लीजिए, फर्स्ट में आपका ये रेकस बनाया हुआ है, इस तरह से है बच्चों। तो इस जो हमारा बोल बना हुआ है उसको हम काउंट करेंगे, और ऐसे वाले बॉक्स में यहाँ पे आपका बॉक्स बना होगा जिसमें आपको फिलअप करना होगा, इसमें काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 राइट करेंगे, 1, 2, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है बच्चों, तो यहाँ खुद से यहाँ 0 डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5 है बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि नंबर्स लिखने के बाद आप उसका नंबर नेम भी राइट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले नंबर नेम बताया है किस तरह राइट करना है, उसको काउंट करना है
110,000 ये हमारा नंबर है, 5024 तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 5024 ये नंबर में आपको इसे कंप्लीट करना होगा। अब सेकंड में बच्चों यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ नंबर्स दिए हैं, अब इसी नंबर्स के अनुसार आपको यहाँ अबेकस बनाना है और इसे ये छह फिगर को आपको इसी तरह कंप्लीट करना है। सी में यहाँ नंबर्स दिए हैं, आप वर्ड दिए हैं, आपको नंबर्स में राइट करना है, इसमें आपको फिलअप करना है। जैसे वंस की जगह यहाँ क्या है, जैसे वंस की जगह पे आप क्या है फाइव, तो यहाँ आप फाइव राइट करेंगे। टेंस की जगह पे टू है तो टू राइट करेंगे। हंड्रेड के जगह पे जीरो है तो जीरो राइट करेंगे। और थाउजेंड के जगह पे फोर है तो ये फोर फिलअप करेंगे, आप इसमें ये करेंगे। नीचे आपका नंबर नेम है, नंबर दिए हुए हैं, इसको आपको वर्ड में राइट करना है। अब ये हमारा नेक्स्ट बेटा बच्चों पैटर्न है, पैटर्न को देखना है। सबसे फर्स्ट हम पैटर्न देखेंगे, आइए कैसे सॉल्व करते हैं वो देखे। फर्स्ट 5074 है, 5075 5076 और नेक्स्ट हमारा फोर लाइनिंग है जिसमें हमको फिलअप करना है। अब देखिए बच्चों इसमें 5074 5075 5076 तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा 5077। उसका नेक्स्ट क्या होगा 5078, नेक्स्ट 5079 और फिर नेक्स्ट 5018। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से फिलअप होगा। अब आपका आता है बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, राइट द प्लेस वैल्यू। अब राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 in 2893। अब हम प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे, आइए बताते हैं आपको। ये हमारा नंबर है 2, 8, 9 and 3। इसमें इस क्वेश्चन में 8 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, मीन्स ये 8 ये हमारा। अब हम देखते हैं इसका प्लेस क्या है, 1, 10, 100। तो इसे हम किस तरह राइट करेंगे, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 800। तो हमारा 800 का 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, हमारा 8 का प्लेस वैल्यू हो गया 800। नेक्स्ट है राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 9432। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 9432। नेक्स्ट है 9432 में आपका इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो क्वेश्चन है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फोर का हमारा ये हमारा फोर है, इसका हमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों बताना है। तो बच्चों किसी भी नंबर्स में किसी भी अंक का अगर डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाए तो वो फेस वैल्यू सेम डिजिट ही होता है। जैसे इसका फेस वैल्यू पूछा गया तो ये इसका फेस वैल्यू हमारा फोर ही होगा, और ये इसका हम फिर प्लेस वैल्यू पूछता है तो ये हमारा नंबर किस जगह है, 1, 10, 100। 100 की जगह पे 4 into 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 400 आ गया। मतलब अगर हमारा फेस वैल्यू पूछे और जिस स्थान पे हो उस स्थान पे उसे काउंट करते हुए उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा नंबर प्लेस वैल्यू होगा, लेकिन फेस वैल्यू हमारा किसी भी अंक का पूछता है तो उसका फेस वैल्यू से वही अंक होता है। तो इस पर ये इसे करने में बच्चों आप लोग आसानी होगी। नेक्स्ट है आपका फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस आपको बताना है बच्चों। देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 5, 7, 5, 0, 6। इसे मैं आपको करके बता दे रही हूँ ताकि आगे आने वाले सवाल को आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आपका नंबर है 7, 5,
5, 6, 0। इसमें आपको 5 अंक है, उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस बताना है कि कितना होगा। तो इसका हम पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू हमारा होगा 5 × 100 = 500। 1 10 100 की जगह पे है तो मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 500 हो गया। और इसी अंक का हमारा फेस वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताया है, फेस वैल्यू सेम होता है। फेस वैल्यू हमारा 5 है तो ये हमारा 5 ही होगा। मीन्स 500 - 5। अब हम इसका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मीन्स इसको हमें माइनस घटाना है दूसरे से। तो 500 में 5 घटाइए बच्चों कितना होगा, ये 0 में से 5 जाएगा नहीं, इससे कैरी लेंगे तो इधर भी आपका 0 है, हम इससे कैरी लेंगे तो ये हमारा 10 हो जाता है। फिर हम 10 से इससे कैरी करेंगे तो ये हमारा 10 होगा। तो 10 में 5 जाएगा तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 5। यहाँ ऑलरेडी पहले 10 था तो इसने कैरी किया तो यहाँ 9 हो गया, तो ये हमारा हो गया 9। और इससे लिए थे तो ये हमारा हो गया 4, 495 इसका आंसर हो गया। अब बच्चों नीचे भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, जो आप उसको समझते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। उसके बाद आपका है सी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स होता है विस्तृत रूप, इसे बड़े रूप में लिखना। चलिए हम ये भी आपको बता दें, ये नंबर है आपका 4, 3, 0, 2। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब बड़े से रूप में। तो कैसे राइट करेंगे, ये हमारा 1, 10, 100, 1000, यहाँ 4000 में 1, 10, 100, 300 प्लस 10 की जगह पे सिर्फ 0 है तो हम 0 डाल देंगे प्लस 2, ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर ये दिया हो आपके क्वेश्चन में तो पूछे शॉर्ट फॉर्म में राइट करें, शॉर्ट मतलब छोटे रूप में, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह राइट करते हैं और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम राइट करते हैं, जैसा कि आपका नीचे दिया हुआ है, नीचे एक्सपेंडेड फॉर्म में है और इसे शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। मैंने अभी आपको सॉल्व बताया है। अब नीचे चलते हैं बच्चों, ई फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ नंबर्स दिए हैं, नंबर और नंबर नेम है वर्ड में, इसे नंबर में आपको राइट करना है। नेक्स्ट राइट द सक्सेसर ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों सक्सेसर में जस्ट आफ्टर मतलब उसके अंक के बाद क्या आता है वो बताना है। इस सक्सेसर ये भी जान लीजिए कि उसको जस्ट आफ्टर भी कहते हैं। पिछले क्लास में छोटे क्लास में आपने आफ्टर बिफोर पढ़ा होगा, तो उसी तरह ये नंबर्स है। जैसे 4, 7, 9 का हमारा सक्सेसर ये हो गया। अगर आपको ना समझ में आए बच्चों तो हम इसमें 1 भी ऐड कर देते हैं। सक्सेसर में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4, 8, 0। ये हमारा हो गया सक्सेसर नंबर। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है जस्ट आफ्टर में, अगर 479 के बाद क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि 479 के बाद हमारा 480 ही आएगा। अब बच्चों नीचे प्रेडिसेसर दिया है। प्रेडिसेसर मतलब मीन्स होता है जस्ट बिफोर, मतलब इस अंक के पहले। जैसे 500 है तो 500 के पहले क्या आएगा, तो बच्चों 500 के पहले हमारा आएगा 499। जैसे 500 है, अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, 499 अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कीजिएगा, 500 में 1 माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका 499 आपका आ जाएगा। मतलब सक्सेसर में किसी भी नंबर्स में 1 ऐड करना है और प्रेडिसेसर में किसी भी नंबर्स में 1 माइनस करना है। नेक्स्ट चैप्टर पहुंचते हैं बच्चों, ये देखिए काउंटिंग बाय टूज राइट द नंबर्स फ्रॉम। अब इन दोनों के बीच में दो जो दूसरे नंबर पे आता है वो नंबर राइट करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे,
मिनी बाय टूज। अब यहाँ नंबर देखिए, टू, इसे कैसे राइट करेंगे बच्चों? तो यहाँ हमारा 2900 है, तो 2900 के बाद एक नंबर को गैप करते हुए दूसरा अंक लिखेंगे। जैसे 2901 को गैप कर देंगे, फिर उसके बाद का नंबर लिखेंगे 2902, फिर 2903 को गैप करते हुए 2904, 2905 को गैप करते हुए 2906, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2908, 2910। हमारा कहां तक करना है बच्चों? 2910 तक। देखिए मैंने यहाँ 2910 कर लिया, मेरा कितना नंबर बीच में आया? 1, 2, 3, 4। मतलब एक नंबर गैप करने के बाद जो सेकंड नंबर होता है बस हमें वो राइट करना है। नेक्स्ट हमारा काउंटिंग बाय टेंस। अब आप 4818 में जो आफ्टर 10 नंबर्स के बाद आता है वो राइट करते हुए आपको 4914 तक पहुंचना है। उसी तरह यहाँ हंड्रेड्स गैप करना है, इसमें 1000 गैप्स करते हुए सबको राइट करना है। नीचे लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने पिछले भी चैप्टर में आपको पैटर्न्स बताया है, उसी तरह आप इस पैटर्न्स को देखेंगे और इसे आप राइट करेंगे। नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स, अब इसको इस पढ़िएगा, इसे रीड कीजिएगा और अपने बुक में फिलअप कीजिएगा। अब आपका अगला एक्सरसाइज है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। अब दिया है कंपेयर द नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन मैंने बताया था बच्चों कि जिसका जिस तरफ का मुंह ओपन रहता है वो हमारा ग्रेटर देन होता है, और जिस तरफ का मुंह हमारा क्लोज रहता है वो हमारा लेस देन होता है। तो ये नंबर्स, ये सिंबल्स आपको इन सबों में फिल अप करना है। जैसे फोर हंड्रेड नाइन बॉस है हमारा 390। अब इसमें देखना है बच्चों कौन सा मेरा नंबर्स भी बड़ा है, ये नंबर हमारा बड़ा है तो हम भी इसके तरफ मुंह को ओपन कर देंगे, ये हमारा खुला रहेगा, ये हमारा ग्रेटर देन का सिंबल है, और ये हमारा इस तरफ बंद है तो ये ऑटोमेटिक हमारा दिख जाता है कि ये इससे लेस देन में है। बच्चों अब नेक्स्ट हमारा आता है इन सर्किल द लार्ज नंबर, मतलब ये आपको नंबर्स का ग्रुप दिया है, ग्रुप्स ऑफ नंबर, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर है जो लार्ज है, सबसे बड़ा। देखिए फिर से मैं इसमें भी कर दे रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 7126। अब इस नंबर में टोटल नंबर पढ़ने के बाद आप इसमें बताइए कि आपको कौन सा नंबर है जो आपको बड़ा दिख रहा है, तो वो हमारा नंबर कौन सा है? ये सब ने वो 7127 है, ये 7126 है, या 7026 732, मतलब ये नंबर हमारा जो है 7166। इन पांचों नंबर में हमारा ये नंबर बड़ा है, इसलिए इस नंबर पे हम इसे सर्कल बना देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा है सी, इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसी तरह इन नंबर को राइट करते हुए, जैसे यहाँ पर मैंने तीसरा बताया था बिगेस्ट, उसी तरह इसमें आपको नेक्स्ट बताना है। जैसे यहाँ पे दिया है 1190, 1920, 1002, 1009 and 2010। अब इन नंबर्स जो है उनके ग्रुप में ये देखना है कि हमारा सबसे छोटा सा नंबर कौन है, तो बच्चों हमारा सबसे छोटा नंबर 1002 है, तो इस नंबर पे हम इसको सर्कल कर देंगे, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़े क्रम में आगे बढ़ना, छोटे से बड़े क्रम में। अब आइए हम आपको बता दें, ये नंबर्स मैं राइट करती हूँ 3042, सॉरी इस नंबर को मैं पूरा पढ़ दी, मैं पढ़ देती हूँ 3042, 3042, 4032, 4320, 432 and 324। अब इसी सात नंबर को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले हम इस असेंडिंग में सबसे छोटे से हमको आगे बढ़ना है, छोटे से बड़े क्रम में आना है। तो इसमें देखना है सबसे छोटा हमारा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा हमारा नंबर 324 है। फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो इससे थोड़ा बड़ा हमारा 342 है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 342। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, नेक्स्ट हमारा नंबर है 432। नेक्स्ट हमारा क्या बच्चों, अब हम 400 के बाद 1000 पे पहुंचते हैं, तो ये हमारा 342। नेक्स्ट है हमारा 4032 और यहाँ लास्ट हमारा 4320। तो ये हमारा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। बच्चों इसी तरह मैं ऐसा करती हूँ कि आप इस असेंडिंग ऑर्डर को पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बड़े से छोटा, मतलब जस्ट इसका अपोजिट। अपोजिट अब ये है हमारा 1001, कैसे करेंगे 6000,
13 राइट करेंगे, 6103 राइट कर सकते हैं, 6310 राइट कर सकते हैं और 6301 राइट कर सकते हैं। ये 4 अंक मैंने आपको राइट कर दिया। इसी तरह दिया हुआ अंक जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर लेंगे। मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि ये टोटल एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो में मेरा नंबर है, आप कॉल कीजिए, अपने प्रॉब्लम को समझिए और मैं ऐसा करती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।